हेलो एवरीवन, और आज हम अपने इस वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक सर्विस ब्लूप्रिंटिंग की बात करेंगे, या इसे हम कहते हैं सर्विस मैपिंग की बात करेंगे। अगर आप मैनेजमेंट स्टूडेंट हैं, आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं या बीबीए के हैं या एमबीए के लिए हैं, और अगर आप सर्विस मार्केटिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो सर्विस ब्लूप्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। आज के इस वीडियो में हम सर्विस ब्लूप्रिंटिंग क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, और एक एग्जांपल के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। In 1984, G.L. Sachs talks in the Harvard Business Review first introduced service blueprint. It's a diagram which visually map out the steps in a service process, making it easier to design a new process or to document and improve an existing one. 1984 में G. Lang Sox Tax ने Harvard Business Review में पहली बार सर्विस ब्लूप्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट रखा। एक्चुअली में सर्विस ब्लूप्रिंटिंग एक ऐसा डायग्राम है जो कि एक मैप, एक नक्शे को विजुलाइज करता है, दिखाता है कि आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट या अपने सर्विसेज को किन प्रोसेसेस का यूज करते हुए अपने अल्टीमेट कस्टमर को आप डिलीवर कर सकते हैं। ये एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होता है, और इसके थ्रू हम अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या सर्विसेज या जो सर्विस प्रोडक्ट हम ऑफर करना चाहते हैं उसको और बेहतर कर सकते हैं। सर्विस ब्लूप्रिंट्स आर डायग्राम्स दैट विजुलाइज ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस इन ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज हाउ ए बिजनेस डिलीवर्स ए यूजर एक्सपीरियंस। वंस अगेन, सर्विस ब्लूप्रिंट एक ऐसा डायग्राम है, एक ऐसा चित्र है, एक ऐसा नक्शा है जो कि विजुलाइज करता है, आपको दिखाता है, यानी कि ऑन पेपर आपको ये चीज समझ में आती है कि हम इस काम को किस तरीके से करेंगे। इट विजुलाइज द ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस, ऑर्गेनाइजेशनल की प्रोसेस को विजुलाइज करता है कि हम किस तरीके से अपने बिजनेस, अपने सर्विस, अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर तक अल्टीमेटली डिलीवर करेंगे, ताकि यूजर का जो एक्सपीरियंस है वो बेहतर हो। एंड सर्विस ब्लूप्रिंट इज द प्राइमरी टूल यूज्ड इन सर्विस डिजाइन। देयर आर डिफरेंट कंपोनेंट्स इन सर्विस ब्लूप्रिंट्स। द फर्स्ट वन इज द फिजिकल एविडेंस, कस्टमर एक्शन, ऑन स्टेज कॉन्टैक्ट एम्प्लॉय एक्शन, बैक स्टेज कॉन्टैक्ट एक्शन एंड इनविजिबल सपोर्ट एक्शन। बट अपार्ट फ्रॉम दीज कंपोनेंट देयर आर सम इंट्रैक्शन लाइन। In between customer action and on stage, there is a line of interaction. In between on stage and backstage, there is a line of visibility. And in the last, in between backstage and invisible line of internal action. In components के अलावा ये तीन लाइनें भी आती हैं। तो पहला हमारा physical evidence, दूसरा हमारा customer action. Customer action और physical evidence एक साथ ही आते हैं। And the on stage, backstage and invisible. अब हम इन कंपोनेंट्स को एक एक करके पढ़ेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। फिजिकल एविडेंस, व्हाट कस्टमर एंड इवन एम्प्लॉई कम इन कॉन्टैक्ट विद, यानी कि जब हमारे कस्टमर या हमारे जो इंटरनल एम्प्लॉई हैं जो हमारे लिए काम कर रहे हैं वो किसी के टच में आते हैं। फिजिकल एविडेंस यानी कोई भी एक ऐसी चीज जिससे हम वर्चुअली या फिजिकली इंटरेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन दिस कैटेगरी इंक्लूड्स द लोकेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कस्टमर एक होटल को विजिट करता है तो वो बाहर के एक्सटीरियर को देखता है, तो यानी वो क्या है, एक उसके लिए फिजिकल एविडेंस है। लाइक ए फिजिकल स्टोर और अ कंपनी वेबसाइट, बट ऑल्सो एनी साइनेज, रिसेप्ट, नोटिफिकेशन और कन्फर्मेशन ई मेल्स एटसेट्रा। फिजिकल एविडेंस वर्चुअली क्या हो सकता है, अगर कंपनी की साइड से आपको एक कन्फर्मेशन ई मेल आ रही है तो ये आपके लिए फिजिकल एविडेंस है, जहां पे कस्टमर इंटरेक्ट कर रहा है कंपनी के साथ। द सेकंड वन इज द कस्टमर एक्शन, What customers do during the service experience? जब customer employee के साथ या company representative के साथ interact कर रहा है, तो at a time वो जो भी functions perform कर रहा है या अपनी queries कर रहा है या visit कर रहा है, वो उसका action। Example के तौर पे अगर देखें, customer might visit the website, वो website पर जा सकता है company के, talk to an employee in person or online। वो फोन पे कस्टमर से, कस्टमर जो है एम्प्लॉई से आपके बात कर सकता है, या ऑनलाइन चैट बॉट के थ्रू, चैट बॉक्स के थ्रू आपसे बात कर सकता है। ही मे गो फॉर द परचेज और ही कैन पुट एन ऑर्डर और एक्सेप्ट एन ऑर्डर और रिसीविंग समथिंग।
तो ये कस्टमर इस तरीके के फंक्शन परफॉर्म करता है, वो वेबसाइट पे जा रहा है, चीजों को सर्च करता है, वहां पे वो ऑर्डर को प्लेस कर सकता है, यानी कि ड्यूरिंग द सर्विस वट एवर ही डू हिज दैट इज नोन एज वॉट कस्टमर एक्शन। एंड द नेक्स्ट इज वॉट फ्रंट स्टेज, या इसको हम कहते हैं विजिबल इम्प्लाई एक्शन, यानी कि एक ऐसी स्टेज जहां पर इम्प्लाई जो भी फंक्शंस परफॉर्म करता है वो कस्टमर को दिखाई देता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे विजिबल इम्प्लाई एक्शन, या इसको फ्रंट स्टेज, यानी कि एकदम आगे जो कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं। व्हाट कस्टमर सी एंड हु दे इंटरेक्ट विद, कस्टमर क्या देखता है और किससे इंटरेक्ट करता है, यानी इम्प्लाई, दे आर द फ्रंट एंड इम्प्लाई। फॉर टेक हैवी बिजनेसेस, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, they can add in or replace this category with the technology that interacts with the customer. Kuch companies aisi hoti hain jo is process ke liye wo artificial intelligence se process par jate hain, jahan par wo human ko replace karke technology ka use karte hain. Example ke taur pe dekha jaye, employee might greet a customer visiting a physical location or respond to a question through chat, send email, take an order or provide status information. कस्टमर के साथ जो इंट्रैक्शन होता है, अगर आप फिजिकली जा रहे हैं तो वहां पे जो स्टोर का मैनेजर है वो आपसे इंट्रैक्ट कर रहा है, आपको ग्रीट कर रहा है, या आपने ईमेल के थ्रू या ऑनलाइन चैट बॉक्स के थ्रू आपने इंट्रैक्शन किया, कोई क्वेरी की, तो जो भी आपको रिप्लाई मिल रही, दीज विल कम अंडर द फ्रंट स्टेज और विजिबल इम्प्लाई एक्शन। द नेक्स्ट वन इज द बैक स्टेज और इनविजिबल कॉन्टैक्ट एक्शन, यानी कि ऐसी प्रोसेसेस जो दिखाई नहीं देती हैं कस्टमर को, यानी कि दीज आर द बैक स्टेज। ऑल अदर इम्प्लाई एक्शन प्रिपरेशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज कस्टमर डोंट सी बट दैट मेक द सर्विस पॉसिबल। ऐसे बहुत सी प्रोसेसेस होती हैं जो कस्टमर को दिखाई तो नहीं देती, बट दीज प्रोसेसेस मेक ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिपेयरिंग इन डिलीवरिंग द सर्विसेज। सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए जो भी एक्शंस होते हैं, कुछ फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं जो बैकएंड में होते हैं, कस्टमर उनको कभी देखता नहीं, बट दे हैव वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एग्जांपल के तौर पर देखें, एम्प्लॉइज माइट राइट कंटेंट फॉर वेबसाइट, ईमेल एटसेट्रा, प्रोवाइड अप्रूवल, कंप्लीट अ रिव्यू प्रोसेस, मेक प्रिपरेशन, पैकेज एंड ऑर्डर एटसेट्रा। आप वेबसाइट पर गए, आपने वहां पर प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन को पढ़ा, इस डिस्क्रिप्शन को किसी एक एम्प्लाई ने लिखा है, बट उसने जो वर्क किया है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्रोडक्ट को डिलीवर करने में, या प्रोडक्ट की अगर परचेज होती है तो वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है, बट एज एन कस्टमर आप उस बंदे को नहीं जानते, क्योंकि ही वर्क एज एन इनविजिबल वे, बैक स्टेज है जहां पर कस्टमर उससे इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। आपको अगर कोई गुड्स है डिलीवर किया जा रहा है, उसकी पैकिंग की गई, पैकिंग किसी एक्स एम्प्लाई ने की है, वो आपसे इंटरेक्ट तो नहीं कर रहा, बट ही इज doing his best. अगर पैकिंग बहुत प्रॉपर नहीं होगी तो आपको जो गुड्स डिलीवर किए जा रहे हैं वो अच्छी तरीके से आपको डिलीवर नहीं होंगे। तो ये जो इम्प्लाईज होते हैं इन्हें हम कहते हैं इनविजिबल कॉन्टैक्ट इम्प्लाई एक्शंस, या इन्हें हम क्या कहते हैं, बैक स्टेज। नेक्स्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सपोर्ट प्रोसेसेस, इंटरनल और वी कैन से दैट एडिशनल एक्टिविटीज दैट सपोर्ट द इम्प्लाईज प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। इम्प्लाई को कुछ काम है, जैसे कि आपका कस्टमर को कुछ काम है, कस्टमर को अपने होटल से उसने चेकआउट किया, उसको जाना है, ही नीड्स फॉर कैब सर्विसेज। अब कैब के लिए आपके पास कुछ ऐसे आपने एड ऑन किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर रखा जो आपके कस्टमर को आपके होटल से वहां तक पहुंचा रहा है, दैट इज सपोर्ट सर्विस। थर्ड पार्टी वेंडर्स हु डिलीवर सप्लाईज और कैरी सर्विस इक्विपमेंट और सॉफ्टवेयर यूज डिलीवरी और पेमेंट सिस्टम। पेमेंट सिस्टम के लिए आपने जैसे पेटीएम है, आपने वीजा है, इनके साथ जो है अपना कोलेबरेशन कर रखा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, एंड दे एक्ट एज एन सपोर्टिंग और एडिशनल एक्टिविटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जब हम सर्विस ब्लूप्रिंट की हम बात करते हैं। नाउ कम टू द लाइंस ऑफ इंटरेक्शन। मैंने पीछे आपको बताया था कि देर आर थ्री लाइंस। द नंबर वन इज द लाइन ऑफ इंटरेक्शन वेयर द कस्टमर इंटरेक्ट्स विद द सर्विस एंड द एम्प्लॉय। ये इंटरेक्शन क्या है, जहां पे कस्टमर अपने सर्विसेज जो उसको चाहिए और एम्प्लॉय जो उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसके बीच में जो लाइन आती है हम कहते हैं लाइन ऑफ इंटरेक्शन। नंबर टू लाइन ऑफ विजिबिलिटी। दिस लाइन सेपरेट्स ऑल सर्विस एक्टिविटीज दैट आर विजिबल टू द कस्टमर फ्रॉम दोज दैट आर नॉट विजिबल। एक ऐसी लाइन जो आपको जहां पर ये दिखता है कि कस्टमर के लिए जो एम्प्लॉय है क्या क्या काम कर रहा है, वर्क परफॉर्म कर रहा है, वो आपको दिखाई देते हैं, दैट इज विजिबिलिटी लाइन।
लेकिन कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिसको आप देख नहीं सकते एंड दीज आर द इनविजिबल, क्योंकि वो बैक स्टेज में इंप्लाइज उसको परफॉर्म कर रहा है। एंड द थर्ड वन इज द लाइन ऑफ इंटरनल एक्शन वेयर पार्टनर्स और इंप्लाइज हु डोंट हैव कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर्स स्टेप इनटू सपोर्ट द सर्विसेज। ऐसी लाइन जहां पर हमारे बैक स्टेज में पीछे जो इम्प्लाइज है जो काम कर रहे हैं सपोर्ट में एडिशनल में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लेकिन वो कस्टमर के टच में नहीं आते हैं, तो ये जो लाइन है हमारी लाइन ऑफ इंटरनल एक्शन, उसको अभी हम एक प्रॉपर एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल मैं जो ले रहा हूँ, इट्स एन ओवरनाइट होटल स्टे। एक कस्टमर अगर किसी होटल में जाकर एक रात के लिए रुकता है तो वहां का एक सर्विस डिजाइन इन्हीं कंपोनेंट्स को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। देखिए कस्टमर और आपका क्या है फिजिकल एविडेंस, अराइव एट ए होटल, यहां पर फिजिकल एविडेंस क्या है होटल एक्सटीरियर पार्किंग। नेक्स्ट व्हाट गिव्स बैक टू द बैले पर्सन, कार्ट और कार्ट फॉर बैग्स। फिर चेक इन है, डेस्क रजिस्ट्रेशन पेपर लॉबी की वॉट एवर जो उसको चीजें होती है, ठीक है। फिर क्या है एलिवेटर, इसको गो टू द रूम। अब इसी में हम देखते हैं, आप देखे दूसरी तरफ देखिए कॉन्टैक्ट पर्सन ऑन स्टेज और उसको हम बैक स्टेज में देखेंगे। ऑन स्टेज पे जो बंदा है वहां पर एम्प्लाई वो क्या कर रहा है, ही विल ग्रीट एंड टेक द बैग। देखिए प्रोसेस को समझिएगा जो कंपोनेंट्स है। बैक स्टेज में क्या हो रहा है, बैक स्टेज में हम देखते हैं कि कोई और बंदा आता है वहां से जो कि क्या करता है उसके बैग को ले जाकर कहां तक उसके रूम तक पहुंचा रहा है। सपोर्ट में देखें देयर इज अ रजिस्ट्रेशन सिस्टम, एक ईआरपी कहीं से डेवलप की गई जिसे आपके किसी वेंडर ने आपके लिए प्रिपेयर किया है और उसी ईआरपी सिस्टम से आप क्या कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट, गो टू द रूम एंड इन द लास्ट देखिए रिसीव बैग्स। अब क्या हो रहा है कि वो जो बैक स्टेज का बंदा है फिर लाके वहां पर डिलीवर कर रहा है, वहां पर जो बंदा है जो उस फ्लोर पर जिस फ्लोर पर आपका रूम है वहां पर जो आपका वेटर है वो बंदा आपको ले जाके आपका बैग डिलीवर कर रहा है, यानी कि वंस अगेन ऑन स्टेज कोई और इंटरेक्ट कर रहा है, बैक स्टेज कोई और काम कर रहा है। रूम एमिनिटीज, रूम एमिनिटीज भी एक तरीके से क्या आएंगी आपकी जो रूम में फिजिकल चीजें अवेलेबल है, आप वहां पे सोएंगे, आप शावर लेंगे, ये सब सारी चीजें आएंगी। मेन्यू के लिए आप क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर कस्टमर क्या करे कौन कौन से एक्शन परफॉर्म करे, उसको कॉल करेगा रूम सर्विस को कि उसको सर्विसेज चाहिए। फॉर एग्जाम्पल उसने क्या किया, ऑर्डर किया रूम सर्विस को कि उसे खाने का ऑर्डर चाहिए, तो वो ऑर्डर सीधे कहाँ जा रहा है, बैक स्टेज जा रहा है, टेक ए फूड ऑर्डर। बैक स्टेज में क्या हो रहा है, जो वहाँ पे एम्प्लाई है जो कस्टमर से इंटरेक्ट नहीं कर रहा, वंस अगेन ध्यान रखिएगा बैक स्टेज का एम्प्लाई कस्टमर से इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। सपोर्ट प्रोसेस में जो आपका सेफ है जो आपके किचन में इंप्लाइज है वो क्या करे, दे प्रिपेयर द फूड। वंस अगेन जब प्रिपेयर फूड वो कहाँ हो रहा है, फिर डिलीवर हो रहा है ऑन स्टेज, यानी कि ऐसे इम्प्लाई के थ्रू हो रहा है जो कि कस्टमर से इंटरेक्ट कर रहा है, वो डिलीवर कर रहा है गुड्स को फूड को और कस्टमर क्या कर रहा है उसको रिसीव कर रहा है। देयर इज अ अपीयरेंस ऑफ द फूड, फूड को एक प्रोसेस के थ्रू एक पूरे प्रॉपर उसमें ट्रे में उसमें उसको डिलीवर किया जा रहा है। फिर हम बात करते हैं फूड, जहाँ पे कस्टमर उसको खाता है और सेटिस्फाई। एंड इन द लास्ट व्हाट, चेकआउट एंड लीव। कस्टमर अब यहाँ पे क्या कर रहा है, वो चेकआउट कर रहा है, उसको बिल चाहिए, वो डेस्क पे जाएगा या वहाँ पर होटल पे अपनी कीज सबमिट करेगा, एक्सटीरियर देखता है वहाँ की पार्किंग से अपने कार के लिए। द नेक्स्ट इज व्हाट, प्रोसेस ऑफ चेकआउट। चेकआउट प्रोसेस में क्या होगा, रजिस्ट्रेशन डेस्क पे जो बंदा जो कि उससे इंटरेक्ट कर रहा है दैट इज ऑन स्टेज वन अगेन वंस अगेन वो क्या करो इसे इंटरेक्ट करेगा और उसको वो सारे बिल्स और उसका पूरा पेमेंट्स वगैरह करेगा कंप्लीट। एंड इन द लास्ट रजिस्ट्रेशन सिस्टम, वंस अगेन सपोर्ट प्रोसेस एडिशनल प्रोसेस है जो किसी थर्ड पार्टी या किसी और वेंडर ने आपके लिए प्रिपेयर किया है। तो ये एक एग्जांपल था कि किस तरीके से अगर एक कस्टमर किसी होटल में आता है तो हम किस तरीके से उसको सर्विसेज डिलीवर करेंगे, ये एक पूरा प्रोसेस है। इसको हमने यहाँ पर क्या किया, एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में तैयार किया है, इसे विजुलाइज किया है और यहाँ पर हम इस चीज़ को इंश्योर कर सकते हैं कि कस्टमर को 100% सेटिस्फैक्शन हो और उसका जो यूज़र एक्सपीरियंस हो वो बेस्ट हो। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।